सदर्न सिक्किम, जिसे स्काई हाई से भी कह सकते हैं, नामची का मतलब होता है स्काई हाई। कल रात को 8:30 बज गए थे हमको यहाँ पहुँचने में, सब कुछ बंद हो गया था, बट द ड्राइव वॉज अमेजिंग। बारिश, ठंड, तो जिस तरह से हम पहुँचे यहाँ पर, हैट्स ऑफ टू माई फ्रेंड जिन्हें मैं सेफली पहुँचाया। अभी वो रेस्ट कर रहे हैं राइट नाउ बट सेंट्रल पार्क, अभी ओपन नहीं हुआ है, टाइम इज 6:37 और द वेदर इज़ क्वाइट प्लेजेंट आउट हियर। कल बारिश हुई थी शाम को, हो सकता है अभी भी हो जाए, राइट नाउ प्लेस इज़ लाइक अबाउट टू ओपन। नामची में एक्सप्लोर करेंगे जिसमें ज़्यादा जगह नहीं है, संदुप्ता हिल है, एक चारधाम टेम्पल है, एक टी गार्डन है और एक दो जगह और हैं। अगर वेदर ने साथ दिया तो ज़्यादा दिखाएंगे, आगे भी जाना होगा जा सकेंगे, अदरवाइज वील स्टे हेयर ओनली एंड आई शो यू अराउंड। यहाँ पे इतने फ्रेंडली है कि पास पास आके घूम रहे होते हैं, शहर की तरह नहीं होता ना कि हर लगा भाग जाएंगे। और यहाँ पे सेंट्रल पार्क ये ओपन किया गया था यहाँ के सीएम के तरफ से लाइक 2008 में आई थिंक, सो मैंने कहीं पढ़ा था, आई विल शो यू अराउंड। वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, वेयर आर वी गोइंग, वी आर गोइंग टू टेक द बिस्किट फ्रॉम अ लोकल शॉप एंड दिस इज आवर न्यू फ्रेंड हू वांट अ बिस्किट। अब ये है सबसे बड़ा मार्केट एरिया यहाँ का ऊपर का, यहाँ पे संडे को मार्केट लगती है, वेजिटेबल्स वगैरह की योगा क्लासेस होती हैं, पार्किंग एरिया ही है ऊपर के नीचे, दिस इज़ द होल प्लेस, सीधा जाना हमें सीधा। एंड राइट नाउ वी आर लीविंग फॉर चार धाम टेम्पल। उसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पर रेप्लिकाज है चार धाम टेम्पल के और 12 ज्योतिर्लिंग जो पूरे इंडिया में हैं, तो बाई चांस कोई नहीं भी कर पाता है चार धाम की यात्रा, तो अगर यहाँ पे नामची में आया है तो ज़रूर आप एक बार यहाँ पे जाके विजिट करें। जब तक आप यहाँ पे बात कर रहे हैं लोगों से या फिर इंटरेक्ट कर रहे हैं, टूरिस्ट प्लेसेस में जा रहे हैं, तभी आपको फील हो रहा है कि अच्छा हाँ यार टूरिस्ट प्लेस पर आए हैं। अदरवाइज इज़ जस्ट अनदर टाउन, एक और ही गाँव है, एक तरह से ऐसे ही लगता है कि किसी गाँव में चले गए हम, जैसे हमारे हिमाचल में होते हैं वैसे किसी गाँव में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं लगता घर से बहुत दूर आए हैं हम, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लोग हैं, बहुत फ्रेंडली लोग हैं और जिनसे बात भी करी रात को हम कितनी का फंस गए थे वहाँ पर, भी हम सबको सबने इजीली हेल्प करी हमारी कि नाम से पहुँचने में, तो हॉस्पिटैलिटी वार्म बहुत ज़्यादा है। यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ सर्टन थिंग्स व्हेन यू कम हियर और विजिट सिक्किम और एनी प्लेस, अबाउट द क्लिनलीनेस और द वार्म यू शुड शेयर विद पीपल, दैट्स वॉट ट्रैवल टीचेज अस एंड दैट्स वॉट यू शुड ऑल प्रीच। चार धाम, हाँ चलो ऊपर 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 चार धाम टेम्पल, चार धाम ये नहीं है, जा रहा था ना मैं ऊपर, तुम भी खड़े थे, तुम चल कर रहे थे, मैं उधर ही जा रहा था, चलते अरे गलती नहीं मान रहा हूँ, ये तो मेरे कमी होता ही नहीं है भाई साहब, अरे गलती मान ली हमारी गलत है, हम पहले दिन हमारी गलती थी, हमने अपना वो रिचार्ज करने में टाइम खराब कर दिया, दूसरे दिन हमारी गलती नहीं थी, आज हमारी कोई गलती नहीं, हम 6 बजे के उठे हुए हैं, तुमने बोला 6 बजे उठ जाओ, 6:15 रेडी हो जाओ, मैं रेडी हो गए, अब तुम नहीं उठे, पानी पी कर सो जाते लगे हुए फ़ोन में, नहीं रात को हम भीगे थे, आप थोड़ी ना भीगे, हम भी भीगे थे, क्या भीगे थे, क्यों नहीं भीगे थे, हमारी पैंट भीगी हुई थी पीछे बैठे हुए, हाँ और स्पीड से गाड़ी चलिया है ना, बाइसन भुटिया स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, कितना बड़ा स्टेडियम है, देखा स्टेडियम बाइचिंग हो गया स्टेडियम, नाउ वी लीव फॉर चारधाम, दैट्स द प्लेस यू कैन सी, अभी आपको दिखाते हैं, बहुत धीरे चलाया हमारा ड्राइवर, हमें देखिए शिव जी का मूर्ति दिख रहे हैं, वहाँ जाना है हमको, से जो यहाँ पर हैं उनसे बात भी करी थी, वो बता रहे थे बेसिक नेसेसिटीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, मोर एडवांस नहीं है बट मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, यहाँ पर लाइफ जिस तरह की है उसमें चैलेंजेस इनके हैं बस ट्रैवल को लेकर, जो एक तरह से दूसरी जगह ट्रैवल में टाइम ज़्यादा लगता है इनका, कभी लैंड स्लाइड होते, कभी बारिश की वजह से कहीं जा नहीं पाते, इंपॉर्टेंट काम की वजह से, अदरवाइज़
चैलेंजेस भी हैं और बट लाइफ ओवर हियर लाइफ इज़ अमेजिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है अगर ऐसी जगह पर आप रहते हैं तो, एंड यू एंजॉय लाइफ बीइंग हियर, स्लो है बट पीपल आउट हियर एंजॉय लाइफ मोर रादर देन बीइंग इन द सिटी। आपको पता है कि आपके पास गिनती का 6 घंटे ही हैं, सुबह 6-7 AM से शाम को 5 बजे तक का टाइम है आपके पास, इतने में ही घूमना है आपने, इतनी लाइफ है, इतने में ही काम करना है, 8-9 बजे सो जाना है, दैट्स हाउ लाइफ शुड बी ऑल्सो। सिद्धेश्वर धाम चार धाम टेम्पल में आपका स्वागत है। सामने लॉर्ड शिवा का 100 फीट का स्टैचू है और यहाँ पे चार धाम पे स्टार्टिंग हो जाती है जिसमें ये बद्रीनाथ धाम है उसका रेप्लिका बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है रेनोवेशन का, यहाँ पर भी सारा तोड़ फोड़ रखी है हर जगह, एंड दिस ऑल डन बाय सिक्किम गवर्नमेंट। क्या बताना चाहेंगे? ये चार धाम, ये जो लैंड है, ये भूमि है जी, ये भूमि जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसी समय भगवान शंकर जी और अर्जुन जी का यहाँ उनका संगम हुआ था अथवा भेंट हुआ था, उसी समय से ये भूमि अति पवित्र भूमि है। तो ये भूमि में चार धाम बनाया है, 12 ज्योतिर्लिंग बनाए, सिद्धेश्वर बनाए, यहाँ पर पूरी 18 मंदिर बनाए हैं। ये बनाने का खास उद्देश्य ये है, जो लोग बाहर जा नहीं पाते हैं, तो बाहर तो बहुत दूर हैं, चार धाम बहुत दूर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग ही हैं, तो इसीलिए कोई लोग बाहर जा नहीं पाते, इधर ही दर्शन करने से पूरा हो जाता है, इसी के लिए बनाया है। तो सबका साथ में पैसा रुपया भी नहीं है ना, इतना दूर है, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के हैं, इतने दूर हैं, जगन्नाथपुरी उड़ीसा के हैं, इतने दूर, रामेश्वरम साउथ तमिलनाडु के हैं, द्वारकाधीश गुजरात के हैं, तो बाहर जा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए बनाए एक में। और दूसरा बात ऐसा बनाए हैं तो हर जगह में पंडाल लोग बैठा हुआ है, तो इतना दो उतना दो उतना दो उतना दो धक्का मारते हैं, पूजा कर नहीं सकते, तो इतना सबको दिक्कत देता है, इसीलिए ये जगह में बनाए हैं। यहाँ पर सब विद्वान लोग हैं तो सब पढ़ा लिखा है, यहाँ पर कोई पंडे उंडे कोई नहीं है। हाँ, दूसरा बात ये है, तो और ये सिक्किम गवर्नमेंट बनाए हैं, तो सिक्किम सरकार बाहर जाके सब मंदिर का दर्शन करके आया है, उनको इतना दिक्कत हो गया तो जाने में, इसीलिए यहाँ बनाए हैं। हाँ, ये मंदिर बाहर जहाँ जहाँ हैं बद्रीनाथ उत्तराखंड के हैं, वहीं से थोड़ा मिट्टी ला के मूर्ति वहीं से लाए स्थापित यहाँ किया है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा के हैं, उसमें कृष्ण बलराम सुभद्रा का मूर्ति है, बिना हाथ पाँव के, नीम का लकड़ी का है, तो वहीं से उड़ीसा से ही लाए। तो रामेश्वरम साउथ के हैं, जहाँ जहाँ हैं बाहर वहीं से थोड़ा मिट्टी ला के इसमें बनाए हैं। ये हैं सेतुबंधा रामेश्वरम, ये साउथ तमिलनाडु के हैं, ये शिवलिंग वहीं से उठा के लाए, नाग शिवलिंग सब वहीं से लाए, उसमें थोड़ा मिट्टी ला के इसमें मिला के बनाए। ये भीमाशंकर वहीं से, हाँ ये बैद्यनाथ, ये बिहार के हैं, जो लोग बलबम जाते हैं ना, बलबम का है, वहीं से शिवलिंग उठा के लाए, मिट्टी वहीं से लाए। यहाँ पर जितना ही मंदिर हैं तो 17 मंदिर बाहर जहाँ जाएँ वहीं से थोड़ा मिट्टी ला के बनाए। ये शंकर जी का मूर्ति यहीं का है, ये यहीं का बना, यहीं का बना है, ये इतना बड़ा है, तो ये लैंड से 133 फीट हाइट का है, जो भगवान बैठे हुए हैं वो 108 फीट का पूरी प्रमाणित है। ये भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है, ये हमारा सिद्धेश्वर धाम यहीं का है। तो पहले ये बनाए हैं, तो इनका 12 ज्योतिर्लिंग होना ही चाहिए, जो शरीर से साक्षात उत्पन्न होगा 12 ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्र में सोमनाथ है, श्री शैलम मल्लिकार्जुन है करके पूरी 12 ज्योतिर्लिंग, तो एक ही साथ यहाँ पर सब बनाया है, तो किसी को बाहर जाने का कोई
दिक्कत नहीं है ना, बाहर जाने में कोई नहीं है, यहाँ दर्शन करने से पूरा हो जाता और है। अभी ये काम इसको और अच्छा बनाने के लिए हो रहा है। ये 12 साल हुआ है तो ये बनाने में अलग ही 8 साल लगा, ये अलग ही बनाने का टाइम है, तो ये चालू है 12 साल पुराना है। अभी इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है जी। हाँ ये अभी लगेगा तो 5-6 मास लगेगा, ये अभी शुरू हुआ है मेंटेनेंस। ये सारे मंदिर का मेंटेनेंस करना है, ये वही ये लैंड है इसका, ये सब टाइल्स वेल्स ये सब फिर पहले जैसा था तो सेम बनाना है। गवर्नमेंट अपनी हेल्प से ही कर रही है और बाकी जो टूरिस्ट से आपको मिलता है एंट्री फीस से थोड़ा बहुत मिलता है उसी से चल रहा है सब कुछ। एंट्री फीस थोड़ा कम ही है तो एक लोगों का 50 रुपया है, तो इतना बड़ा जगह है बनाया है ना, इसीलिए तो 50 रुपया एंट्री फी है यहाँ का। ये वही पैसा जो टूरिस्ट लोग देता है तो वही मैनेज करके ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो जनाब आपने देखा अभी हमने पंडित जी से बात की, उन्होंने जितना एक्सप्लेन कर सकते थे डिटेल में उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आपको भी इस जगह के बारे में मान्यता के बारे में सब कुछ पता होगा। फर्स्ट मैंने जितना बता सकता था मैंने बताया, पंडित जी यहाँ पर बहुत टाइम से हैं तो उनसे भी हमने हेल्प ली ताकि आप सबको सब कुछ पता चले यहाँ के बारे में। तो आप लोग भी कभी अब सिक्किम आएँ नामची ज़रूर आइएगा, टूरिस्ट अट्रैक्शन का ना होकर एटलीस्ट जिनको हिंदू मान्यता है या जिनको इस जगह में आकर दर्शन करने हैं वो ज़रूर आएँ, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है। और अभी हमारे पास थोड़ा सा रह गया तो बस थोड़ा सा घूम के हम अंदर इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, बाहर का अलाउड है, हमने परमिशन ले रखी है, पूछ रखा है सबसे। बाहर बाहर आप टेंपल्स के बाहर वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, अंदर नहीं कर सकते। इसलिए हम किसी भी गेट के अंदर ज्योतिर्लिंग के अंदर या मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो उसका गेट दिखा देते हैं कि हम ये इस वाले ज्योतिर्लिंग या इस वाले मंदिर के अंदर जा रहे हैं, और अंदर नहीं दिखा सकते, वो अलाउड नहीं है। और उसका रिस्पेक्ट आप भी करें, अंदर की छुप छुप के फ़ोटो ना लें। ये जो शिव जी का टेम्पल है ये अंदर से बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, उनकी पूरी जर्नी अच्छी, आर्टिफैक्ट्स भी बनाए हुए हैं, मूर्तियाँ बहुत अच्छी बनाई हैं अंदर, उसकी भी फ़ोटो नहीं लेनी है। कैमरे हैं नहीं हैं, चल रहे हैं नहीं चल रहे कैमरे, आप फ़ोटोज़ अंदर नहीं लेंगे किसी भी मंदिर के, बाकी बाहर से यहाँ आके आपको खुद ही बहुत अच्छा फील होगा। तो ज़रूर आइएगा यहाँ पर, और बस अपनी जर्नी रिज्यूम करते हैं, थोड़ा सा रह गया। आपने देखा अभी पिलग्रिमेज कल्चरल सेंटर सफोलिक नामची, जो फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे पवन चैमलिंग जी ने रखा है 13 फरवरी 2005 में। और अब यहाँ से निकल के हम नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं। देख रहे हैं कितना खराब रोड है विनोद, तो 2 दिन दे रहे हैं ना यार हम, कुछ नहीं दे रहे हो, दो दिन आज पहुंचेंगे नहीं गैंगटॉक, अगर यहाँ जा रहे हैं गैंगटॉक नहीं पहुँचे। गुजरात तो चार धाम मंदिर के बाद अब नेक्स्ट स्टॉप है हमारा संद्रुप्से हिल, इसे विश फुलफिलिंग हिल कहा जाता है। नामची में जो सेंट्रल पार्क है वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है ये जगह। ये इस हिल के बारे में बताने से पहले यहाँ पर बता देते हैं, तिब्बतन गुरु हैं एक गुरु रिंपोचे या फिर गुरु पद्मसंभवा, वो बिलीफ है कि ये 1200 साल से सिक्किम की वैली को ये प्रोटेक्ट करके रखा है। और इस प्रोटेक्शन के वो ये कहा जाता है कि ये सिक्किम की वैली जो है ये डोरमेंट लावा के ऊपर बनी है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ प्रेयर्स ही साथ दे सकती हैं और हेल्प कर सकती हैं कि ये कोई नेचुरल कलेमिटी या किसी भी तरह का कोई खराबी या कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हो सिक्किम में या कहीं पूरी वैली में। तो उसके लिए यहाँ पर एक संद्रुप्से हिल पे 45 मीटर का गुरु रिंपोचे का हमने ये स्टैचू बनाया हुआ है, जैसे चारधाम में स्टैचू बना था लॉर्ड शिवा का, यहाँ पर गुरु रिंपोचे का 45 मीटर्स का स्टैचू बना हुआ है। और ये मान्यता है कि यहाँ पर आकर आप प्रेयर्स ही कर सकते हैं जो पूरी वैली को प्रोटेक्ट करके रखेगा, जो पूरी वैली पे होली स्पिरिट बता के रखेगा। और कहा जाता है कि ये 1997 में दलाई लामा जी ने खुद आकर इस एरिया को, इस एरिया को जो है हिल है हिल टॉप पर, इसका इनॉग्रेशन खुद किया था। बाकी ये वहाँ पहुँचने वाले हैं तो वहाँ पहुँच कर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट।
यहाँ से माउंट कंचनजंगा का पीक दिखाई देता है ऑन अ क्लियर डे। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सामने कितना क्लाउडी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सो टुडे इज नॉट अ लकी डे, देयरफॉर वी हैव टू स्किप दैट पार्ट। That's it from this side. वेदर ख़राब हो गया है, हमें अभी बाहर निकलना था बट लग रहा है कि अगले एक घंटे दो घंटे के अंदर बारिश आने वाली है। कल भी 4 बजे आई थी, वहाँ फंस गए थे, आज भी आ सकती है। बिफोर दैट वी हैव टू लीव फास्ट एज पॉसिबल। एक बुद्धा टेम्पल पार्क है, वहाँ पर भी एक स्टैचू है, लेकिन वहाँ हम लग नहीं रहा पहुँच पाएंगे। वी विल जस्ट लीव नाउ। दिखाया था धर्मशाला में क्लोडगंज में रोप वे, वो रोप वे यहाँ पर भी है, मैंने सुना था इसके बारे में लेकिन पता नहीं था कि वर्किंग है या नहीं है। तो ये पैसेंजर सेक्शन रोप वे है, के एन राय ऑनरेबल स्पीकर सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने इसकी इनॉग्रेट किया है, 2016 में हुआ है। एंड यहाँ से देख सकते, मतलब यहाँ पर अगर आपको आना हो संदुप्ता हिल में तो रोप वे से आ सकते थे। अब तो मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर जिस हालात में है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल यूजेज में नहीं है लग रहा है, पहले होता था अब बिल्कुल बंद हो गया, ख़राब हालत में है। तो यहाँ पर आने के लिए नामची से रोप वे कर सकते थे आप, बिल्कुल यहाँ पर सामने संदुप्ता हिल है, तो अब शायद वो बंद हो गया। दैट्स व्हाई यू हैव टू जस्ट कम्यूट बाय रोड एंड दिस इज व्हाट इट सेज़।